यहाँ पे मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं। मैं तो नहीं चाहूंगा कि दोबारा आए सरकार। अतला तो अभी आए थे वो कौन से रावत जी, कितने टाइम रुके, एक दिन में एक महीने रुके होंगे वे, अब तो लाल मुख्यमंत्री बदल जाते हैं। वोट डालेंगे बीजेपी को। काम किया बीजेपी ने पाँच साल में, यहाँ पाँच साल में ठीक है, पहले के पाँच साल जो कांग्रेस थे उससे फॉर बेटर है। मुख्यमंत्री बदलना चाहिए, जब काबिल नहीं है तो उसको बदल देते हैं। बीजेपी हार सकती है, बट मेरा कहना है बीजेपी को इस टाइम जीतना चाहिए। पहाड़ का लड़का हूँ तो मैंने काफी देखा है कि आज तक कांग्रेस ने पहाड़ में कुछ काम करा। सर मोदी जी के बारे में इतना कहूंगा मैं कि सर उन्होंने जो अभी तक डिसीजन लिया है सारे बेटर अच्छा ही लिया है। आपको लगता है कि वो गलत डिसीजन ले रहे हैं कि अपने आप को फायदा करा रहे हैं, बट मुझे लगता है कि वो सबके सरकार का फायदा करा रहे हैं, जनता का फायदा करा रहे हैं। अभी जैसे बोल रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस में आ गए, अच्छा उससे कुछ लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। मुख्यमंत्री बने उनका काम अब तक उनका ज्यादा नहीं समझ में आया, ज्यादा समझ में नहीं आया। लगना क्या है, ये तो चलो हाईवे है ठीक है, कभी आप पहाड़ों में आगे दिखाओ वहाँ की आप हालत देखना, कभी हर जगह भूस्खलन हो रहा है, पहाड़ टूट रहे हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेने के चांसेस ज्यादा? चांसेस तो बीजेपी के ही ज्यादा हैं। और धामी जी के बारे में क्या कहेंगी, 100 दिन उन्होंने पूरे 100 हैं, कुछ इतना कोई खास तो उन्होंने वो नहीं किया, लेकिन ठीक ही थी। तो मैंने खुद वहाँ सफर किया था, हाँ दिल्ली में मैं गई थी, मैंने खुद सफर किया तो वो हमारा वहाँ लेडीज स्लिप पूरी था पूरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी, आपके साथ मैं हूँ भुवन शर्मा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हम मौजूद हैं, बस की सवारी इस वक्त की जा रही है, तमाम लोग बस में सवार हैं। 2022 के चुनाव में इस बार क्या होने जा रहा है यही जनता तय करेगी, इन्हीं से हम बात करने की कोशिश करते हैं। सरकार के काम से क्या आप संतुष्ट हैं पाँच साल में, या कुछ बदलाव देख रहे हैं? संतुष्ट तो हैं, लेकिन अभी जैसे बोल रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस में आ गए, अच्छा तो उससे कुछ लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। कांग्रेस के किस में आ गए, कांग्रेस में आ गए, तो उससे सुन के लग रहा है कि कुछ हो रहा अलग। अच्छा, मोदी जी के काम से कैसे देखती हैं आप सेंटर में? अच्छा लगा, अच्छा लगा आपको। और यहाँ धामी मुख्यमंत्री बने उनका काम अब तक 100 दिन हो गए, उनका ज़्यादा नहीं समझ में आया। 22 के चुनाव में क्या होने जा रहा है? सर लगना क्या है, ये तो चलो हाईवे है ठीक है, कभी आप पहाड़ों में आगे दिखाओ वहाँ की आप हालत देखना, कभी तब जाके आपको पता चलेगा। इधर तो चलो हर जगह अच्छी रोड है, ऑल वेदर रोड है, कभी आप पहाड़ में आओ तब जाके आपको पता चलेगा कि मतलब क्या है, पाँव रखने की जगह नहीं, हर जगह भूस्खलन हो रहा है, पहाड़ टूट रहे हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा ठीक है? तो इस बार तो आम आदमी भी जो अर्जय कोठियाल कर्नल वो भी दावेदार हैं, अच्छा। वो रिटायर आर्मी हैं, देखते हैं अगर वो इस बार जीत जाए तो क्या पता कुछ हो जाए, क्या पता कुछ हो जाए, बट अभी कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, आप पहाड़ का जिक्र आपने किया, आप कहाँ से हैं पहाड़ में? उत्तरकाशी। उत्तर मुझे बताइए मोदी जी का काम कैसा लगता है केंद्र में? ठीक है, बट अब एक मोदी क्या तो करेगा, मोदी का काम केवल बताना है, कराना तो जो उनके नीचे जो लोग वही कराएंगे ना। मोदी जी तो ऐसे तो है नहीं कि हर जगह खुद घूमेंगे, काम तो किसी और को कराना पड़ेगा, बट अभी जो है ठीक है कांग्रेस से तो ठीक है। अच्छा, धामी जी को लेके कहा जा रहा है ये युवा सीएम है, तो आप खुद एक युवा हैं, आप अपने आप को जोड़ पाते हैं धामी जी से या उनके काम से संतुष्ट हैं? नहीं नहीं है, उत्तराखंड किसी मुख्यमंत्री से संतुष्ट नहीं हूँ, ना धामी से, ना ही त्रिवेंद्र सिंह रावत से, ना त्रिवेंद्र सिंह रावत से, ना तीरथ से। मैडम क्या नाम है आपका? आशा है। क्या करती है मैम? मैं सर्विस करती हूँ। सर्विस कर, हाँ जी। अच्छा, यहाँ रहती हैं, यहाँ वोट डालती हैं, तो क्या लग रहा है इस बार 2022 का चुनाव नज़दीक है, किसकी हवा आपको लग रही है या किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं? चांसेस तो बीजेपी के ही ज़्यादा हैं। हाँ, क्या वजह मानती हैं आप इसके पीछे, क्यों ऐसा है? क्योंकि उसके पीछे कई स्कीम जैसे मोदी जी ने चलाई हैं उसका बेनिफिट जनता को मिल रहा है, केंद्र की योजनाओं। हाँ, और राज्य की जो राज्य सरकार, राज्य की कोई खास नहीं है सर। हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं अगर बीजेपी जीतती है तो मोदी जी के नाम पर जीतती है? हाँ जी, हाँ जी। और धामी जी के बारे में क्या कहेंगी, 100 दिन उन्होंने पूरे 100 हैं, कुछ इतना कोई खास तो उन्होंने वो नहीं किया, लेकिन ठीक है ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, इन्होंने अभी अजय कोठियाल की बात की कि आम आदमी पार्टी के रिटायर्ड कर्नल है, उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, तो उनके बारे में क्या राय रखती हैं? उनके बारे में तो मुझे इतना वो नहीं है सर, आइडिया नहीं है इतना ज़्यादा। हाँ, लेकिन मैं ये है कि बीजेपी में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, लेकिन और अच्छा होना चाहिए, जो जो कमियाँ हैं वो पूरी होनी चाहिए। अच्छा, आप बस में सवारी कर रही हैं, आम आदमी पार्टी जो यहाँ चुनाव लड़ रही है वो दिल्ली में सरकार में है और वहाँ पे महिलाओं को फ्री बस सेवा है, उनका टिकट नहीं लगता। दिल्ली में तो मैंने खुद वहाँ सफ़र किया था, हाँ दिल्ली में मैं गई थी, मैंने वहाँ खुद सफ़र किया तो वो हमारा वहाँ लेडीज़ के लिए फ्री था पूरा। हाँ, आपको अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने अच्छी है कि अच्छी बात है? अच्छी बात है, होना चाहिए लेडीज़ के लिए होना चाहिए। आप ही देखिए लेडीज़ खड़ी रहती है, जेंट्स बैठे रहते हैं, आप ही देखिए ना, ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए ना सर, है ना? आप ये मानती हैं, मांग करती हैं कि आपकी जो सरकार है वो वैसा फैसला ले जो दिल्ली में लेना चाहिए, लेना चाहिए। उत्तराखंड की देहरादून की आम जनता है। मैम क्या नाम है आपका? मोहिनी।
क्या करती हैं आप? फिलहाल हाउसवाइफ हूं। अच्छा, हाउसवाइफ हैं। यहाँ वोटर हैं, वोट डालती हैं। यस सर। क्या आपका ओपिनियन क्या है इस बार चुनाव को लेकर, क्या राय रखती हैं आप? कौन आपको दिख रहा है कि दोबारा सरकार में आ रहा है या फिर चेंज होता हुआ दिख रहा है? एक्चुअली मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा ऐसे नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप कुछ नोन फिगर हैं जैसे धामी हैं, सेंटर में मोदी जी हैं, उनके बारे में कुछ तो ओपिनियन रखती होंगी कि ये अच्छा काम कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, थोड़ी बहुत समझ से। एक्चुअली उत्तराखंड में तो जो वोट मिलते हैं वो मोदी जी के नाम पे ही मिलते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ इतना करा नहीं है बेसिकली बीजेपी ने। मतलब पॉलिसी जो यहाँ की बनी है उसका कुछ फायदा भी आप लोगों को नहीं मिल रहा है, जो थोड़ा बहुत है वो सेंटर से है। सेंटर से है वो, स्टेट गवर्नमेंट ने तो ऐसा कुछ करा नहीं है कि जो दिखे। तो आपने जब पिछली बार वोट हुआ था तो आपने किसको, बीजेपी को वोट दिया था? या Yes. तो आपको लग रहा है कि आपका वोट जो है, जो आपने दिया था वो मतलब उसका कुछ फ्रूटफुल नतीजा निकल पाया है, आपको लगता है ऐसा? नहीं, फ्रूटफुल तो नहीं आया है, बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट ही है यहाँ पे ज़्यादा। लास्ट टाइम हरीश रावत ने निकाली थी वैकेंसी, कांग्रेस के टाइम में आई थी, बट बीजेपी के टाइम में ऐसे खास वैकेंसी, त्रिवेंद्र सिंह रावत के टाइम में तो और नहीं आई एक्चुअली वैकेंसी। मैं प्रिपरेशन कर रही थी जॉब्स के लिए तो फिर उतना आई नहीं वैकेंसी, या फिर मैंने फॉर्म भरे तो कोई 5 साल 6 साल बाद किसी का कॉल लेटर, इवन कॉल लेटर भी नहीं आता है, नेट पे खुद चेक करना पड़ता है या जो भी है। अच्छा। तो वो 6-6 साल बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे। उत्तराखंड में बीजेपी ने अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं, 3 मुख्यमंत्री बदले गए, 2022 में फिर चुनाव नज़दीक है, लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। देहरादून राजधानी में इस वक्त हम मौजूद हैं, सिटी बस में हैं, यहाँ के लोकल लोग इस वक्त यहाँ सवारी कर रहे हैं, उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। आप वोट डालती हैं यहाँ? हाँ। क्या लगता है, ओपिनियन क्या है आपका 2022 इलेक्शन को लेकर के, ये जो सरकार काम कर रही है सेटिस्फाइड काम है या फिर चेंज चाह रही है? अभी तो फिलहाल कुछ लग नहीं रहा है ऐसा कुछ। क्या लग रहा है? ऐसा कुछ लग नहीं रहा है अभी, कोई इम्प्रूवमेंट इतना कुछ हो नहीं रहा है। काम नहीं लग रहा है आपको? काम नहीं लग रहा है इसका, सरकार का। अमित जी के बारे में क्या राय है आपकी, उनको कैसा सीएम मानती हैं? अभी मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में। चलिए, मोदी जी का नाम तो सुना होगा आपने, उनके बारे में क्या ओपिनियन रखती हैं, अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ, काम तो अच्छा किया है। क्या काम ऐसा है जो आपको एक महिला होने के नाते अच्छा लगता है? गर्ल्स के लिए, मतलब लेडीज के लिए काफ़ी चीज़ सपोर्ट कर रहे हैं वो, हर चीज़। मतलब कहीं, मतलब पुलिस वगैरह की सेफ्टी काफ़ी हो गई है अपना गर्ल्स के लिए ऑन रोड ही। हाँ जी, मतलब सुरक्षा पहले से ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हाँ जी। भैया क्या नाम है आप? मैडी। क्या कर रहे हैं आप? प्राइवेट जॉब। जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। क्या ओपिनियन क्या है आपका इलेक्शन को लेकर, 2022 में क्या होने जा रहा है? ये सरकार नहीं आनी चाहिए, ये सरकार दोबारा नहीं आएगी, आनी चाहिए। क्या वजह क्या है? सर महंगाई इतनी हो चुकी है, आप खुद देख लीजिए, खाने का तेल वगैरह, पेट्रोल डीजल रोज मर जाएगी, जो ज़िंदगी है उसके हिसाब से आप खुद देख लीजिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और इससे कोरोना के उससे बहुत ही वो हो चुका है, मैं तो नहीं चाहूँगा कि दोबारा आए सरकार। अरे धामी जी के बारे में क्या राय रखते हैं, वो तो यूथ आइकन बताती है बीजेपी उनको कि युवा सीएम। सर उसके लिए तो कुछ नहीं बोल पाऊँ। अच्छा मुझे बताइए, कर्नल अजय कुठियल का नाम सुना है आपने? नहीं सुना है। अच्छा, आम आदमी पार्टी लड़ रही है चुनाव, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर फिलहाल तो पॉलिटिक्स है उसके, बस संगठन सही है, ठीक है। अगर बीजेपी नहीं आती तो कौन आएगा? सर आम पार्टी। आम आदमी पार्टी के लग रहे हैं, यानी कि आप आम आदमी पार्टी को वोट देंगे? वोट करेंगे सर। चलिए ठीक है, और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर महिलाएं भी हैं। मैम क्या नाम है? सरोजनी राणा। क्या करती हैं, गृहस्थी गृहिणी है? हाँ गृहिणी। अच्छा, क्या आपकी अपनी राय क्या है, आपने 5 साल बीजेपी को चुना यहाँ पर, उन्होंने 3 बार सीएम बदल दिए, काम अच्छा किया उन्होंने पब्लिक के लिए? काम तो अच्छा ही किया मार देखने से। भैया मेरी तबीयत खराब है अभी मेरे। क्या नाम है? अंशु। अंशु है। क्या करती है मैम आप? मैं अभी काम पे लगी, अभी लगी नया नया काम में, मैं माटा टाइम पर आऊँगा दोनों हॉस्पिटल में। आपकी राय क्या है, अभी जो सरकार काम कर रही है 5 साल हो गए, अब फिर से चुनाव आ रहे हैं, काम से संतुष्ट हैं आप? अच्छा काम किया सरकार? हाँ सही काम है, ज़्यादा सही भी नहीं है, गरीब लोग बेचारे लॉकडाउन में कितना परेशान हुए, तब सरकार ने क्या किया उनके लिए, सब गरीब भी है, अमीर लोगों ने झेल लिया लॉकडाउन करोना, दोबारा भी लगे चांसेस आने के, अब गरीब आदमी ज़्यादा परेशान हो जाता है उसमें। हाँ, उसको बच्चे उसके भूखे मर जाते हैं जिसके रोज की आमदनी है, तो उन्हें सरकार को ध्यान रखना चाहिए ना, वो कहते घर से बाहर ना निकलो, घर से बाहर ना निकलो, लेकिन जो गरीब आदमी वो कहाँ जाएगा बेचारा, जिसके छोटे छोटे बड़ा जिनके बच्चे बड़े हैं घर में वो तो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन जिनके छोटे बच्चे को
वो कहाँ जाएंगे जिसकी रोजी रोज की आमदनी है। सरकार उनका भी ध्यान रखना चाहिए ना, ये तो कहते हैं घर में रहो, अरे रोटी तो खाएंगे, बच्चों के लिए सारा सामान है, तो कुछ तो संतुष्ट है, कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं है। हाँ जी, अगर चेंज चाहती हैं आप तो किस पे भरोसा करेंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव लड़ रही है कर्नल अजय को। योगी का काम तो बहुत अच्छा, दिल्ली में मुख्यमंत्री है योगी, बहुत बढ़िया काम है यूपी में। हाँ हाँ हाँ, यूपी में, और यहाँ पे मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं। अभी आए थे वो, कौन से रावत जीत कितने टाइम रुके, एक दिन में एक महीना रुके होंगे वे, रातों रात मुख्यमंत्री बदल गए। आप नहीं करते मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं आप। भाजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है देवी प्रसाद रतोड़ी। अच्छा, आप वोट डालते हैं भाजी यहाँ पे? वोट डालते हैं। क्या राय रखते हैं आप, इस बार फिर से वोट डालने का टाइम आ गया है? 5 साल भी डालेंगे, वोट डालेंगे। किसको डालेंगे वोट? वोट डालेंगे बीजेपी को। अच्छा, मतलब काम किया बीजेपी ने 5 साल में यहाँ? 5 साल में ठीक है, पहले के 5 साल जो कांग्रेस थे उससे फॉर बेटर है। कई क्या बेहतर लगा आपको, थोड़ा एग्जांपल हमें बताएंगे? हाँ सर, कई चीज़ें भी, गरीब आदमियों को फ्री राशन मिल रहा है, और क्या बोलते हैं, टॉयलेट मिल गया है, गरीब आदमियों को मकान मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। और पिछली सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, केवल इंदिरा अम्मा वो खोल दिया, होटल खोल दिया, तो इससे हो गया है। आप बुजुर्गों के लिए क्या किया सरकार ने, कुछ बताइए ना। बुजुर्गों ले भी अभी जो बुजुर्गों को पेंशन दे रही है, जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं उनको पेंशन मिल रही है, और क्या चाहिए। लेकिन आगे महिला बैठी है, इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, काम नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री बदलना चाहिए, जब काबिल नहीं है तो उसको बदल देते हैं, दूसरा आ जाता है। जब एक ठीक काम नहीं कर रहा तो उसी जगह दूसरा आ जाना चाहिए, उसी को क्यों ढोना है, बदलते रहना है। भाजी 100 दिन हो गए धामी को सीएम बने हुए, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? 100 दिन में काम किया उन्होंने? 100 दिन में ठीक काम कर रहा हो, ठीक है। धामी बनने चाहिए मुख्यमंत्री? पक्का बनना चाहिए, एक बीजेपी फिर आने चाहिए। अच्छा, मोदी जी के बारे में क्या राय? मोदी है तो मुमकिन है, उतना ही काफ़ी है। ये स्टैम्प तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी, मुझे स्टैम्प लग रहा है बीजेपी हार सकती है, बट मेरा कहना है बीजेपी को स्टैम्प जीतना चाहिए, क्योंकि उसने जीतना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि सर मैं पहाड़ का लड़का हूँ, तो मतलब इतने टाइम मैं पहाड़ का लड़का हूँ, तो मैंने काफ़ी देखा है कि आज तक कांग्रेस ने पहाड़ में कुछ काम करा नहीं है। तो पहाड़ों में काफ़ी रोडें बन चुकी है, काफ़ी फैसिलिटी आ चुकी है, धर्म में काफ़ी चेंज आ चुका है, मतलब ये बीजेपी ने काफ़ी कुछ कर चुका है चेंज, तो इसलिए मेरा कहना है बीजेपी को जीतना चाहिए, और वही बेटर लगती है मुझे भी। धामी के बारे में क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि यूथ सीएम है, 100 दिन उनको हो गए काम करते करते, आपको लग रहा है अच्छा काम कर रहे हैं? जी, मेरे हिसाब से तो अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं ज़्यादा इनके बारे में जाने के नहीं रखता, बट जितना मैंने देखा है उस हिसाब से मुझे लगा है कि बीजेपी बेटर है, और वही आगे तक काम कर सकती है। अड़ों में तो कर्नल अजय कोठियाल भी घूम रहे हैं आम आदमी पार्टी के, जानते हैं उन्हें? जी जी, मैं जानता हूं उनके बारे में सर, वो भी बहुत, वो तो फौज से रिटायर्ड हैं, उनके बारे में सर, सर उनको नहीं चुनेंगे? सर उनको क्यों नहीं चुनेंगे, सर वो बहुत अच्छा काम करते हैं, बट ये है कि उनके बारे में मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है, सुनने में इतना आया है कि उन्होंने हमेशा सपोर्ट करा है, जितने माउंटेन्स में हमेशा अपने का योगदान दिया है, तो पर मेरा एक, मुझे ये नहीं पता कि कांग्रेस की तरफ से एक बीजेपी की तरफ से, बट जिसके तरफ से भी उन्होंने भी बहुत मदद करी है। मोदी जी के बारे में? सर मोदी जी के बारे में इतना कहूँगा मैं कि सर उन्होंने जो अभी तक डिसीजन लिया है सारे बेटर अच्छा ही लिया है, और लोगों को लगता है कि वो गलत डिसीजन ले रहे हैं, कि अपने आप का, अपने आप को फ़ायदा करा रहे हैं, बट मुझे लगता है कि वो सबके सरकार का फ़ायदा करा रहे हैं, जनता का फ़ायदा करा रहे हैं, बस इतना कहना चाहूँगा सर। क्योंकि ये सत्ता का केंद्र है, यहाँ पर विधानसभा है, यहाँ पर सियासतदान बैठते हैं, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर बैठते हैं, तो लोगों ने तमाम तरह की राय अपनी जाहिर की है, ये बताने की कोशिश की है कि इस बार क्या होने जा रहा है। संकेत जरूर दिए हैं, खुल करके कोई वोटर बोलता नहीं है, वो आखिर में जाकर के अपने पत्ते खोलता है, लेकिन इन्होंने ज़रूर ये बता दिया है कि इस बार सो सिचुएशन रहने वाली है, इस बार फाइट जो है वो बड़ी टक्कर की है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है।